कल माइटोकॉन्ड्रिया हमने कर लिया था, है ना। टर्म प्लास्टिड्स गिवन बाय, टर्म गिवन बाय ई ई हैकल। टर्म प्लास्टिड्स गिवन बाय ई हैकल इन 1866। ठीक है, प्लास्टिड्स पाया कहाँ जाता है बेटा? हाँ, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है ना। प्लास्टिड्स ऑल्सो बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड, है ना। प्लास्टिड्स ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, लिखिए। प्लास्टिड्स ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ये आप पहले से जानते हो कितने टाइप का होगा। हाँ हाँ, क्लोरो प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीन तरह का होता है बेटा, है ना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड होगा क्लोरोप्लास्ट में और कैरोटीनॉइड होगा, है ना। क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड्स होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा बेटा? वाटर सोल्यूबल, या सॉरी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जानते हो ना। हाँ, तो इसमें लिखिए क्रोमोप्लास्ट में लिखो, क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। अब कैरोटीनॉइड में जैंथोफिल होता है और कैरोटीन होता है, दोनों मिला के क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड। ये टाइप ऑफ पिगमेंट्स में हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। पिगमेंट्स का फॉर्मूला और उसके बारे में और ज्यादा डिटेल आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैरोटीनॉइड लाइक, क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे? कैरोटीन एंड जैंथोफिल। दे प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू प्लांट्स। दे प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू प्लांट्स लाइक
रेड ऑरेंज ग्रीन नहीं, रेड येलो ऑरेंज एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस, नो पिगमेंट्स, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ स्टोर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है बेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ये स्टोर करता है उसके बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का होता है, ये भी आप जानते हो, अमाइलो प्लास्ट, हाँ वंदना थ्री टाइप बिल्कुल, और इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। बेटा एल्यूरॉन लेयर हमने कहाँ बताया था आपको, हाँ मोनोकॉट सीड में है ना, एलुरॉन लेयर, एंडोस्पर्म इज बाउंडेड बाय एलुरॉन लेयर प्रोटीन, तो उसमें क्या स्टोर होता था, प्रोटीन, तो एलुरॉन एलुरोप्लास्ट में क्या स्टोर रहेगा बेटा, प्रोटीन, तो एलुरॉन एलुरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। और देखो यहाँ पे इलायो आयो ऑयल के जैसा है ना नाम इसका है, तो ये क्या क्या स्टोर करेगा, ऑयल्स एंड फैट्स, और स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है। और ये क्या स्टोर करेगा बेटा, कार्बो, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसका एग्जांपल जैसे पोटैटो लिख सकते हो, एंड ऑयल एंड फैट्स में भी मस्टर्ड लिख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दीज थ्री ऑल थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल, इंटरकन्वर्टेबल, हाँ दीज थ्री टाइप अभी लिख लिया होगा मैंने मिटा दिया, दीज थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल। जैसे मान लो इसको यहाँ पे हम लिख दे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट, समझ रहे हो, तो आप एरो ऐसे लगा सकते हो, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, जरूरत पड़ी तो। टमाटर कच्चा है तो क्लोरोप्लास्ट है, पकने के बाद वो क्रोमोप्लास्ट हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब पहला लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये लिख लिया, क्वेश्चन बना लिया, निशान तुम आ नहीं रहे हो क्लास में सुबह आजकल, दो तीन दिनों से नहीं आ रहा है वो। चलो लिखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे फिर इसका डायग्राम बनाते हैं हम। मैक्सिमम अवेलेबल इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उसी में पाए जाते हैं ना जहां फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ठीक है। ये देखो नई नौटंकी, जल्दी ओके करो इसको, हाँ बोल रहा हूं अगेन फिर से,
मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम अवेलेबल इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ लीव्स, मतलब मीजोफिल सेल्स जानते हो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं, वहां के सेल्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट्स आल्सो सेमी ऑटोनॉमस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट्स आर सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस। नेक्स्ट पॉइंट, शेप एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर वेरिएबल, वेरिएबल। दीज आर लेंस शेप्ड, लेंस के जैसा, लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्कॉइड, लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक, और इवन रिबन लाइक। लेंथ, लेंथ बेटा 5 to 10 लेंथ जो होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ, विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर। नंबर जो है इसका बेटा वेरिएबल होता है, नंबर वेरिएबल, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, जैसे अलग अलग नंबर होता है, ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास में कितना पाया जाता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में बेटा 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। इन मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स 20 टू 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाया जाएगा। मीजोफिल सेल में कितना, 20 से 40 है ना, 20 टू 40। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोरोप्लास्ट्स आर, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी अदर देन ग्रीन कॉल्ड, अदर देन ग्रीन कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी अदर देन ग्रीन आर कॉल्ड, क्या बोला मैंने, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर्स कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, क्रोम। और ये कहां, किस में, किस एल्गी में पाया जाता है बेटा, रेड एल्गी में। एग्जांपल लिख लो रोडोफाइसी या रोडोफ्लास्ट, एग्जांपल लिखो रोडोप्लास्ट्स इन रेड एल्गी, रोडो आर एच ओ डी ओ पी एल ए एस टी एस, रोडोप्लास्ट्स इन रेड एल्गी, फाइओप्लास्ट्स इन ब्राउन एल्गी, पी एच ए ई ओ प्लास्ट्स इन
ब्राउन एल्गी, फाइओप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी, रोडोप्लास्ट इन रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डिवाइड बाई फ्यूजन, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डिवाइडेड बाई फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डायग्राम आप लोगों को याद है कुछ? Yes, sir. क्या स्पेशलिटी है इसमें, क्या क्या पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेनिक तो है और डीएनए और हाँ थाइलेकोएड, बहुत बढ़िया, और ग्रेनम, अरे वाह, और स्टर्नम, स्टर्नम लैमिली, बहुत बढ़िया वंदना, वंदना बेटा लैमिली, बहुत अच्छा है ना। लैमिली भी दो तरह का होता है बेटा, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली को हम क्या बोलते हैं, ग्राना चैनल कि नहीं, स्ट्रोमा चैनल। चलो सारा देख लेते हैं अभी, पहले तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा हमने क्या किया है, सेक्शन काट दिया, तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन देम, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे इसको। देख रहे हो, दोनों में एक कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, कुछ आइडिया किसी को? एटीपी के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है बेटा ना, हम लोग देखेंगे कैसे हेल्प करता है। हाँ अच्छा, एक चीज और है, यहीं पे आप लिख सकते हो, लिख लो, रिलेटिवली लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन, रिलेटिवली लेस permeable than outer membrane। ठीक है, और इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर membranous स्पेस। क्या इसमें भी inwardly folding है क्या? नहीं नहीं है बेटा। इसमें जो फ्लूड है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो फ्लूड है, लिक्विड मैट्रिक्स है, तो इसको क्लोरोप्लास्टिक मैट्रिक्स बोलेंगे, या और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, यही तो मैट्रिक्स है। और इसमें डार्क रिएक्शन के एंजाइम पाए जाएंगे या लाइट रिएक्शन के? स्ट्रोमा में कौन से एंजाइम पाए, डार्क रिएक्शन के, बहुत बढ़िया वंदना बेटा। हाँ, एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा फॉर डार्क रिएक्शन, एंजाइम्स फॉर कंटेन, स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम, आप लिख सकते हो साइट, साइट फॉर, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन लिख सकते हो, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है,
ये भी डबल लेयर बाउंडेड स्ट्रक्चर है, थाइलेकॉइड। हाँ, इसके फ्लूइड में बेटा डबल लेयर बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम काट के दिखाएं आपको तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। एंड इसको हम बोलते हैं क्या, थाइलेकॉइड। एंड ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड ग्रेनम। एंड ईच ग्रेनम इज कनेक्टेड बाय लैमेली कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ये देखो। हाँ, मैंने यहां देखो इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। ऐसे क्यों बेटा, क्या बात हो गई? अच्छा, ये सारे जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये जो एक यूनिट मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं बेटा, थाइलेकॉइड। एंड ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड ग्रेनम। ठीक है, एक जो इस उसका एक यूनिट है, ये सिंगल एक यूनिट, इसको हम एक थाइलेकॉइड बोलेंगे। किसमें? अरे पूरा एक ग्रेनम है। हाँ हाँ, ये देखो ग्रेनम का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है ग्राना, प्लूरल फॉर्म होता है ग्राना। मतलब ये सबको मिला के हम ग्राना बोलेंगे। एंड वन बंडल ऑफ लिख लो चाहो तो, वन बंडल ऑफ थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड नहीं थाइलेकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। वन बंडल ऑफ थाइलेकॉइड्स आर कॉल्ड सुनो, ये एक थाइलेकॉइड है, ये भी डबल लेयर्ड बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक है, है। ये एक पूरा एक ग्रेनम है। हाँ, इसमें चार ग्रेनम मैंने दिखाया है। अरे ये बोलो ना यार, वही तो मैं इसको तुम चार बोल दे रहे हो, पता नहीं ये चार की ये चार। हाँ नहीं नहीं आप लिख लो प्लूरल ग्राना, इसका जो है ग्रेनम का प्लूरल नंबर होता है बेटा ग्राना, ग्राना। ठीक है, ग्राना प्लूरल क्या होता है, ग्राना। ठीक है, बना लिया, तो आगे चलें। अब देखो बेटा, एक जगह बीच में सर्कुलर डीएनए होता है, ये आप जानते हो सर्कुलर डीएनए, डीएस डीएनए है, डीएस डीएनए। इसको क्या बोलोगे आप, किसी ने कुछ लिखा था मैंने देखा नहीं, डीएस डीएनए इसको क्या बोलोगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था तो उसको हम कॉन्ड्रोजीन बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टोजीन बोलेंगे या प्लास्टिडोम भी बोलते हैं, प्लास्टोजीन और प्लास्टिडोम। प्लास्टोजीन और प्लास्टिडोम, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लास्टिडोम और प्लास्टोजीन। अगर डीएनए है बेटा तो राइबोसोम्स भी होंगे ही। yes, कौन से राइबोसोम्स हैं? 70S, शाबाश, 70S राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट है ये, किसी ने ये नहीं बताया इसमें क्लोरोफिल कहाँ है। थाइलेकॉइड के अंदर
मतलब बाउंड्री पे, बाउंड्री पे नहीं मेम्ब्रेन के अंदर होता है बेटा। अभी और फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में होते कहाँ पे है। हाँ मेम्ब्रेन के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल इसका। तो आप लोग लिख केवल यहीं पे होता है कि इसमें, अच्छा इसको तो मैंने लिखा नहीं यार कि होता क्या है। ये क्या है, कौन सी लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, या इसको फ्रेट चैनल भी बोलते हैं। ये जो फ्रेट चैनल FRET स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल, इसको जो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, देखो इंटर ग्रेनल चैनल बोल सकते हैं, या लैमेली, या इंटर ग्रेनल थाइलेकॉयड। क्यों थाइलेकॉयड, इंटर ग्रेनल थाइलेकॉयड क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर ये जो देख, अब देख रहे हो मैं इधर इसीलिए हट गया, यहां पे जो क्लोरोफिल है पिगमेंट, तो यहां भी है, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। तो फ्रेट चैनल को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, इंटर कनेक्टेड थाइलेकॉयड, क्योंकि यहां भी पिगमेंट है, तो ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो इंटर कनेक्टेड थाइलेकॉयड, इंटर कनेक्टेड बड़ा बड़ा मैंने बना दिया, लिख लो इंटर कनेक्टेड थाइलेकॉयड। हाँ गिरो, समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है बढ़िया। अच्छा एक चीज और है, अगर ये प्लास्टिड है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, स्टार्च बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें, सॉरी ग्लूकोज बनेगा, पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनेगा, तो कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ये हम स्टार्च लिख सकते हैं इसमें स्टार्च। कहीं कहीं पे बेटा कुछ ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टोग्लोबुली, प्लास्टोग्लोबुली। प्लास्टोग्लोबुली क्या है बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट्स। वंदना बहुत बढ़िया भाई, ऑयल ड्रॉपलेट्स, और मे कंटेन बताओ वंदना, विटामिन लिखो, वंदना लिखो, के विटामिन के, मे कंटेन विटामिन के, कोई बात नहीं ठीक है, मे कंटेन विटामिन के। 5 रुपीज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये थाइलेकॉयड, देख रहे हो, और ग्रुप ऑफ थाइलेकॉयड को हम ग्रेनम बोलते हैं, प्लूरल नंबर ग्रेनम का होता है ग्राना, बाकी जो लिक्विड पोर्शन है जहां पे साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन लैमेली भी होती है और थाइलेकॉयड भी होता है, ठीक है, थाइलेकॉयड में भी लाइट रिएक्शन होता है, बाकी इसके आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। अब है बेटा इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं उस, हाँ इस फ्लूइड में ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनको हम प्लास्टोग्लोबुली बोलते हैं, ठीक, ड्रॉपलेट्स को बोल रहे हैं, ड्रॉपलेट्स को, और उसमें हो सकता है विटामिन के हो सकता है, मे बी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन में नहीं यार, क्लोरोप्लास्ट में पाए जा रहे हैं ये, हाँ मेंटेनेंस में, ये नाखून हमारा मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब नाखून नहीं तो आदमी नहीं,
अच्छा हाँ एक चीज और है, यहाँ तक लिख लिया ना ये फिनिश, अब एक नया हेडिंग दो, इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। मिटा दिया मैंने, क्या हुआ बेटा, ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऐसा समझा जाता है कि कुछ, ध्यान से सुन लो पहले, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर कर रहे थे वो चले गए यूकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में बदल गए, ठीक है ना। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते थे वो यूकैरियोटिक में चले गए और क्लोरोप्लास्ट में बदल गए, क्योंकि 70S राइबोसोम दोनों में पाया जा रहा है, और साइनोबैक्टीरिया पहले आया था इवोल्यूशन में, इसके पहले बैक्टीरिया भी पहले आया था। यही है इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। हेडिंग दो। हाँ बिल्कुल, सर्कुलर डीएनए भी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करीबी नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फाइनली इनडायरेक्टली तो है, ठीक है। तो हेडिंग दो, इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। हाँ लिखिए, दिस हाइपोथेसिस tries to explain origin of mitochondria and chloroplasts. Origin of mitochondria and chloroplast. According to this hypothesis, both mitochondria and chloroplasts, are symbiotic in origin. That is, in course of evolution, some aerobic bacteria. invaded eukaryotic cells. Some aerobic bacteria invaded eukaryotic cells and over a time period it lost all its function. Eukaryotic cell, and over a time period, it lost all its function except aerobic respiration. And eukaryotic cell, developed into mitochondria. Next point likhiye. Similarly, some blue green algae
इन्वेडेड यूकैरियोटिक सेल, इन्वेडेड यूकैरियोटिक सेल एंड ओवर अ टाइम पीरियड इट लॉस्ट एंड ओवर अ टाइम पीरियड इट लॉस्ट ऑल इट्स फंक्शन, ऑल इट्स फंक्शन एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस, एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस एंड डेवलप्ड इंटू क्लोरोप्लास्ट एंड डेवलप्ड इंटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिख ले भाई। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंसेस फॉर दिस हाइपोथेसिस, पहला लिखिए एविडेंसेस फॉर दिस हाइपोथेसिस, पहला लिखिए बो नो वायस, अब आ गया होगा बेटे, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक बैक्टीरिया, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक बैक्टीरिया हैव डीएसडीएनए, डीएसडीएनए जानते हो आप लोग, स्मॉल डी स्मॉल एस, हाँ डीएसडीएनए, सर्कुलर डीएनए एंड सेवन इन ब्रैकेट सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स एंड 70S राइबोसोम्स। सेकेंड एविडेंस लिखिए, बोथ आर बाउंडेड बाई या बोथ आर सराउंडेड बाई, बोथ किसके लिए वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, हाँ बोथ आर सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड, बोथ आर सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड। थर्ड एविडेंस लिखिए, एविडेंस थर्ड लिखिए, बोथ हाँ बोथ बाउंडेड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, थर्ड लिखो बोथ, बोथ आर डिवाइडेड बाई फ्यूजन लाइक बैक्टीरिया, डिवाइडेड बाई फ्यूजन लाइक बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है फिनिश, क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हुआ, ना उनका डिटेल नहीं क्योंकि पिगमेंट लेवल पे, पिगमेंट का फंक्शन हम फोटोसिंथेसिस में देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, जितना देखना होगा वही देखेंगे पिगमेंट्स के बारे में। तो अब लिखो बेटा आप पैलेट, हाँ कोई नहीं अच्छी बात है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को बेटा हम पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, पैलेड पार्टिकल्स। फाइनल एग्जाम पे पूरा बुक नहीं आनी है क्या, कौन सा फाइनल एग्जाम भाई, अभी देने लगा ये। लिखिए पायलट पार्टिकल में लिखो राइबोसोम्स में, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेड, जॉर्ज पैलेड इन ब्रैकेट 1953। ठीक जॉर्ज पैलेड PALADE पैलेड, अकॉर्डिंग टू पैलेड राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, एंड नॉट क्या बोला मैंने, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एंड नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो बेटा राइबोसोम्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राइबोसोम्स इज इक्वल टू किसके बने होते हैं ये, आरएनए प्लस
क्या मॉलिक्यूल है? हाँ, आरएनए प्लस प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और दिख रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आगे, और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो एक पॉइंट और लिखो, फिर इसका टाइप देखते हैं, एक पॉइंट और लिखिए। राइबोसोम्स आल्सो रेफर्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, बिकॉज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल मतलब ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर है, समझ रहे हो? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बिकॉज इट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा हाँ, ये वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी यहां पे एक बार और हम बता दे रहे हैं। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, लेकिन सेल कितने होती हैं? दो तरह की ना, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बेटा यूकैरियोट में 80s पाया, क्या 70s नहीं पाया जाता? बेटा देखो, यूकैरियोट में 80s एंड 70s बोथ, क्योंकि 70s माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है, और इसमें तो केवल 70s पाया जाएगा, ठीक। अब पहले हम 70s के बारे में बात कर लेते हैं। 70s, ये s जानते हो स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हम कई बार बताए हैं आप लोगों को, स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है, और एक्चुअल में ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बिहाफ पे, हाँ ठीक है। तो इसके दो सब यूनिट होते हैं 70s के बेटा, बिल्कुल, इसके दो सब यूनिट होते हैं 50s एंड 30s, ठीक है। 50s के भी दो सब यूनिट होते हैं, याद रखना है आप, कौन कौन सा? 23 एंड 5s, हाँ 23s एंड 5s, आपको जेनेटिक्स में काम आएगा ये। बाहर नहीं निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं, अरे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, अगर 50s यूनिट को फर्दर सेंट्रीफ्यूग करोगे आप, तो ये 50 और 30 भी तो नहीं होता, ये तो 70s मैंने बनाया है। हाँ क्या ऐसा नहीं होता जो बोल रहे हो? ध्यान से सुनो मेरी बात, 70s को सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो दो सब यूनिट मिलेगी अलग अलग, 50s एंड 30s, लार्जर 50s और स्मॉलर 30s। 50s को अगर हम फर्दर सेंट्रीफ्यूग करते हैं बेटा, तो दो सब यूनिट मिलती है 23s एंड 5s, और ये राइबोसोम्स के बेसिस पे होता है। और अगर मान लो 30s को अगर फिर से सेंट्रीफ्यूग करो, तो ये केवल एक ही सब यूनिट मिलती है इसकी, 16s, ठीक है। प्लस प्रोटीन भी तो होता है, 50s में
और 30S में, 30S में 21 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स का मिलके बना होता है, और जो बड़ा होता है बेटा 32 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स। मतलब क्या हुआ कि जो राइबोसोम 70S राइबोसोम है बेटा, उसमें टोटल 32 प्लस 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल है प्लस 50S और 30S राइबोसोम्स हैं। इसको फर्दर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये मिलता है हमें, क्लियर? ना 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 ना, जरूर थोड़े के दो चार पांच में डिवाइड हो, वो एक ही में डिवाइड हो सकता है, तो वही है। मतलब हाँ बस वही, हाँ बिल्कुल, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से है वो। यहां तक हो गया? अब चलो देखो, हाँ 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है बेटा, इसका लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 60S होता है और छोटे वाला 40S। इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो हमें तीन तरह के मिलते हैं, 28S, 2.8S एंड 5S। ठीक है, 5.8S एंड 5S, तीन मिला। और इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, 40S को फर्दर सेंट्रीफ्यूग करें बेटा, तो इसमें हमें 18S राइबोसोम मिलता है प्लस प्रोटीन होती है 50 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स, 50 प्रोटीन्स होती हैं इसमें मॉलिक्यूल। और इसमें जो स्मॉल 40 सब यूनिट है इसमें होती है बेटा 33, उसमें 32 बड़े वाले में था ना, इसमें होती है 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 50 और 33। ठीक है, समझ में आ गया? S बराबर लिख लेना, S इज इक्वल टू स्वेडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। हाँ, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, हाँ S इज इक्वल टू स्वेडबर्ग, SWED स्वेड, BERG अपोस्ट्रोफी S, स्वेडबर्ग कांस्टेंट और यूनिट। हाँ, एक चीज और बताना रह गया, वो भी बता देता हूं। देखना, ये जो है ये 40S है और ये मान लो 60S राइबोसोम है, ठीक है? इन लो नहीं, लो 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 कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg2+ होता है ना, तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा तो ये सब यूनिट अलग अलग हैं। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ा बेटा, मतलब जैसे व्हेन Mg2+ इंक्रीज, तो फिर क्या होगा, ये दोनों जुड़ गए, ठीक है? तो दो यूनिट जुड़ गए ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइमर, डाइमर। तो डाइमर कब बनता है, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन डाइमर फॉर्म हो जाता है। जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लो हुआ बेटा, दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है, और तब जरूरत पड़ती है जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, तो इसको आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में, प्लस टू में पढ़ोगे, ठीक है ना? ये है
एक मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है ना, हाँ मैसेंजर आरएनए, इस पे दो सब यूनिट है, एक एक राइबोसोम आया 60 और 40s, और ये अमीनो एसिड्स को जोड़ के बेटा प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा पॉलीपेप्टाइड बनता चला जाएगा, समझ रहे हो, इस पे पूरा एक चैप्टर है बेटा जो हम इस शॉर्टकट में बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया तो दूसरा यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये मान लो यहाँ पे आ गया तो दूसरा फिर आके बाइंड कर दिया, ये भी बना रहा है, ये यहाँ गया फिर तीसरा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। तो एक समय आता है कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चार दिखाया है तो 4 पॉलीपेप्टाइड बनेगा एक ही टाइप के प्रोटीन के, इस समझ में नहीं आया। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के हेल्प से प्रोटीन बनाते हैं। तो एक एक प्रोटीन बनाना होगा तो एक राइबोसोम आया और ऐसे बनाता चला गया, बन गया, हाँ एक ही बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, फिर खिसकता जाएगा, बनाता जाएगा। अब मान लो एक ही तरह के चार मॉलिक्यूल बनाना है तो चार आ गए, एक यहाँ पे आया तो दूसरा आ गया यहाँ पे। अबे एक बनाता आगे बढ़ रहा है फिर खाली जगह हो तो दूसरा आ गया, मेरे भाई कहीं पार्टी में खाना खाया होगा, खाना जैसे शुरू होता है ढक्कन खुलता है सब लोग कहाँ लाइन लगाते हैं, जहाँ खाना रखा हुआ वहां पे नहीं, जहाँ प्लेट रखा हुआ है वहां पे, प्लेट ही नहीं तो खाना कैसा, रुको तो फिर वो लेते जैसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, दूसरा फिर आया फिर तीसरा आया, वो अगला लेते चला जा रहा है, कलेक्ट करता हुआ चला जा रहा है, खाना प्लेट में भरे ना खाए, समझ रहे हो। तो मतलब अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड बनाया जाए, बेटा इतना आसान नहीं है जो मैं बता दूंगा, पूरा चैप्टर है एक प्लस टू में, और सबसे बड़ा चैप्टर है ये जेनेटिक्स, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे एक सिर्फ बताना चाहता हूँ बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स, व्हेन मोर देन वन राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए कॉल्ड पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, समझ में आ गया कि नहीं। और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स लिख देना नीचे, राइबोसोम्स इज इक्वल टू प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्यों, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व है, प्रोटीन की सिंथेसिस इसी के ऊपर होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। फंक्शन भी हो गया राइबोसोम्स का, हो गया, टाइम हो गया है क्या, हाँ चलो ओके बाय।